हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इट लुकेश सर। अनलिमिटेड स्टडी जोन चल रही है, युवराज बैच की क्लासेस। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुछ ग्रामर। ग्रामर में स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग पंक्चुएशन। ओके, तो पंक्चुएशन में देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ सिंबल होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे पहली बात की गई दोस्तों कॉमा, किसकी बात की गई है? कॉमा। तो अभी हम बताएंगे कि हम कॉमा कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। दूसरा पगला पंक्चुएशन है एपोस्ट्रॉफी। क्या नाम है बच्चों? एपोस्ट्रॉफी। फिर है फुल स्टॉप, और एक है क्वेश्चन मार्क, और भाई कुछ और हैं, एक है एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। बहुत ही सिंपल पंक्चुएशन है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम कॉमा कब लगाते हैं। तो कॉमा तब लगाते हैं एक्सप्रेस ऑज अ पॉज इन अ सेंटेंस, जब आप किसी सेंटेंस में हल्का सा ब्रेक देना चाहते हैं। ओके, है ना। जैसे आपने कहा अंदर आ जाओ, कम इन, कम इन के बाद लगाइए कॉमा। आई एम वेट फॉर यू, आई एम वेट फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो तुमने कहा कम इन आई एम वेट फॉर यू, तो ये सही नहीं है। कम इन आई एम वेट फॉर यू, ये सही नहीं है। कम इन, फिर कॉमा लगाइए, फिर आई एम वेट फॉर यू। सो एक्सप्रेस करेंगे जब आप यहां पर पॉज लगाएंगे, तो थोड़ा सा यहीं पर पॉज की जरूरत होती है, तो वहां पर क्या लगाते हैं? कॉमा। बोलिए क्लियर है। दूसरा है, अगर आप चीजों को आइडेंटिकेट्स इंडिकेट्स लिस्ट ऑफ थिंग्स, अगर आपके पास बहुत सारी थिंग्स हैं, देखो जैसे यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मीशा नीड्स एग्स मिल्क ब्रेड बटर एंड बनानास, तो देखो यहाँ पे सब में बीच में कॉमा लगा हुआ। ओके, एंड एंड हमेशा लास्ट में आता है, एंड हमेशा लास्ट में आता है, ठीक ना। आपने यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी पॉज वाला आपने कहाँ देखा था? ये पॉज वाला। अमित रैन आउट ऑफ पेंट्स। ओके, सो ही हैड बॉट सम, सो ही हैड बॉट सम। अमित के पास रैन आउट ऑफ पेंट्स, अमित के पास पेंट खत्म हो गए थे। क्या हो गए थे? अमित के पास पेंट क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। रैन आउट का मतलब खत्म होना, रैन आउट का मतलब खत्म होना, क्योंकि पेंट कर रहा था, पेंट करते करते क्या हो गया? खत्म हो गया। तो देखिए एडवांस इंग्लिश का चमत्कार, इसको बोलते हैं रैन आउट। रैन आउट मतलब पेंट उसके खत्म हो गए और उसको नए कुछ पेंट खरीदने पड़े। सो अमित रैन आउट ऑफ पेंट्स, सो ही हैज बॉट सम। तो देखिए यहां पर क्या लगा है? कॉमा लगा है। बोलिए क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। एपोस्ट्रॉफी कब लगता है? अगर आपकी कोई चीज बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग्स मतलब आपकी संपत्ति है, आपकी आपके कब्जे की है, तो वहां पर बताने के लिए, वहां पर आपको बताने के लिए क्या लगता है? एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। बोली क्लियर हुआ। जैसे देखिए ये देखा, दिस स्वेटर इज टोर, द स्वेटर आई टोर इज आर शूज, ठीक ना। द स्वेटर आई टोर इज आर शूज, मतलब ये जो स्वेटर है, टियर का सेकेंड फॉर्म होता है टोर। टियर मतलब फाड़ना और टोर मतलब फाड़ा। तो जो स्वेटर फाड़ा है मैंने, आई टोर इज आर शूज, वो किसका है? आशू का था, है ना। वो किसका था? आशु का था। तो देखो ये स्वेटर आशूज, आशूज मतलब आशु का था, ठीक ना। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर एक सेकंड डॉक्यूमेंट्स में, हाँ ये देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक ना। ये देखिए लोकेश सर्स, लोकेश सर्स मतलब लोकेश सर का, लोकेश सर का, तो शर्स लगाए, एपोस्ट्रॉफी लगाई यहां पे, तो मतलब उससे पता चलता है कि भाई ये बिलोंगिंग है, ये उनके अधिकार की चीज है। तो लोकेश सर का अनलिमिटेड स्टडी जोन, चलिए ये हो गया। ओके, फुल स्टॉप कब लगता है बताइए आप? फुल स्टॉप कब लगे? जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इंडिकेट अ सेंटेंस इज कंप्लीटेड, बिल्कुल सही बात है। जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाइए। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, फुल स्टॉप हो चुका है, लग गया। क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, इंडिकेट दैट सेंटेंस इज अ क्वेश्चन। डू यू गो टू स्कूल बाई बस, क्या तुम स्कूल बस से जाते हो? तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है। लास्ट है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाता है, या तो बहुत चक्के रहने वाली बात को दिखाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, या तो स्ट्रॉन्ग इमोशन में ये हुर्रे अला ओए, ये सारे जो इमोशंस होते हैं। ओके, तो जैसे ओह नुकसान हो गया, स्ट्रॉन्ग इमोशन है ये, सुनो ये मजा आ गया, मैच जीत गए हम, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। वी आर गोइंग टू ए पिकनिक, ये जैसे पापा कहते हैं चलो पिकनिक चलो, तो बच्चे कहते हैं ये, तो यहां पे क्या लगता है आपका? एक्सप्लेनेशन मार्क्स। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही, हमने यहां पर सारे के सारे मार्क्स कर लिए। नेक्स्ट में हम वर्ड पावर आपको बताएंगे, वर्ड पावर में हम आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम, राइमिंग वर्ड्स, वर्ड मीनिंग सब चीजें बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।